अपने आप में बहुत कुछ कहता है, बट मैं अपनी फीलिंग अगर आप लोगों के साथ शेयर करूं तो मुझे जिस वक्त इन्होंने एक आइडिया बताया खालिद भाई ने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसके अंदर एक सोशल मैसेज है। और जब भी किसी के साथ में साइबर क्राइम का कोई भी शिकार होता है तो वाकई वो बहुत हेल्पलेस होता है, उसको नहीं पता होता है कि अब मैं क्या करूं और कहां ढूंढूं अपना पैसा। तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है और बहुत सारी चीज़ें हम फिल्म के ज़रिए बताना चाहते हैं आम पब्लिक को कि उनका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, सेकंड क्या होना चाहिए, थर्ड क्या होना चाहिए, और डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ में ये चीज़ें हो रही हैं और वन बाय वन हम ऑडियंस को कैसे वो चीज़ें बताते हैं। हालांकि खालिद भाई और हम लोग पिछले 2 साल से 3 साल से कोशिश कर रहे थे कि कुछ सब्जेक्ट्स उनके थे, कुछ मेरे पास थे, बट हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कहाँ से हमको शुरू करना है, और वो चीज़ मनीष जी ने सॉल्व कर दी। जब उन्होंने वो कॉन्सेप्ट बताया तो मुझे लगा कि यार ये माइंड ब्लोइंग है, इसके ऊपर हमको वो ऐड करना चाहिए। एंड आई थिंक आज जो हम लोग सब मिले हैं वो सिर्फ अनाउंसमेंट के मिले हैं के लिए मिले हैं, और इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि स्टोरी के बारे में कुछ भी बोलना इट विल बी टू अर्ली। सो थैंक्स फॉर कमिंग, एंड बस आप लोगों की सबकी हमको ब्लेसिंग्स चाहिए कि एक अच्छी फिल्म हम लोग बना सकें और जो मैसेज हम देना चाहते हैं वो क्लियर कट हम कन्वे कर पाएँ। थैंक यू सो मच। इसको मैं 2 लाइनों में ऐसे बताना चाहूँगा कि आजकल का जो यूथ है वो सबसे ज़्यादा लाइक और शेयर के पीछे भागता है, लेकिन लाइक और शेयर की दूसरी डेफिनेशन भी है, लाइक को लोग समझते हैं ठेंगा, जिससे पहले लोग चिढ़ते थे आज उससे खुश होते हैं कि ठेंगा दिखाया, मतलब वो हमें लाइक करता है, और शेयर का मतलब होता है आगे फॉरवर्ड करना। एक मतलब और भी है, लाइक का मतलब होता है जो अच्छा होता है हम उसे लाइक करते हैं, और जो हमें यहाँ अच्छा लगता है उसे हम शेयर करते हैं। That's mean कि यदि आपके साथ कुछ भी हो रहा है तो प्लीज़ उसे शेयर ज़रूर करिए, आपके अपने आपके पास बैठे होते हैं, दूर नहीं बैठे होते हैं, और हम उन्हीं से छुपाते हैं। और एक कॉमन मैन की सोच कि जो लोग सोचते हैं कि हमारे साथ अगर स्कैम हो रहा है तो पुलिस, मीडिया या राजनीतिक लोग हमारी वही मदद कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देश के लिए किसी वर्दी की ज़रूरत नहीं है, आप जिस लिबास में जहाँ खड़े होते हैं देश के लिए कार्य कर सकते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी, मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ इसमें, क्योंकि मुझे अभी तक कुछ नहीं मालूम। परसों इनका फोन आया तो कहने लगे कि एक ऐसे ऐसे अनाउंसमेंट होगा तो आपको आना है, मैं आ जाता हूँ। मुझे लगा मैं शायद दोस्त हैं इसलिए बुला रहे हैं, कहने लगे फ़ोटो भेज दीजिए। मैंने कहा है फ़ोटो क्यों भेज दूँ, कहते आपकी तस्वीर लगानी है। तो मैंने कहा आप मुझे ले रहे हैं क्या फिल्म में, तो कहते और क्या। मैंने कहा ये बोलो ना कि तो आपको फिल्म में कास्ट कर रहे हैं, तो एक एक करके कभी कुछ, तो मुझे ज़रा भी नहीं मालूम स्क्रिप्ट के बारे में, और मैं तो ऐसे ही मतलब घर पे बैठा हुआ था, ऐसे उठ के आ गया, देख के इतने ब्यूटीफुल गर्ल्स हमारे बीच में, इनके सामने मैं कैसा लग रहा होगा, मैं सोच ऐसा। तो खैर कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट फॉर दिस ब्यूटीफुल अनाउंसमेंट। हमारे प्रोड्यूसर साहब, को प्रोड्यूसर और डायरेक्टर राइटर साहब, उनसे डायरेक्ट हमारा रिश्ता नहीं है, लेकिन हाँ प्रोड्यूसर साहब जो हैं ये भी यूपी के हैं, मैं भी यूपी का हूँ, उनको प्रोड्यूसर भी यूपी के हैं, साइबर मैन भी यूपी के हैं, और अनिल साहब से, अनिल नहीं राकेश जी से जो रिश्ता है वो अनीस बजमी साहब की वजह से कॉमन है, मिला मैं आज हूँ उनसे पहली बार। लेकिन हाँ एक दूसरे का काम देखते रहते हैं, करते रहते हैं, जब मिलते हैं तो एक दूसरे के काम की तारीफ करते हैं। बाकी यही है कि अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद मुझे पता लगेगा मैं क्या गुण खिलाने वाला हूँ इसमें, मुझे मालूम नहीं है, मुझे माफ करिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड हैंडसम इज व्हाट हैंडसम डज सर। सर आपका प्रेजेंस
itself is a shining star yahan par. So we are truly humbled, sir, and it means really from the bottom of our hearts. Sir, aap hai to yahan par life hai. So let me tell you, that's equivalent to it. So thank you so much for truly giving us your beautiful presence here. So Khalid sir, now we shall be open to our friends from the media for question and answer. But before that, because Rakesh sir is the captain of the ship, or as I mentioned to you that he already complimented us, saying that Miss Ashley, our reigning Miss Global, is not just supremely stunning, but also a great actress. And he's already mentioned it to us that Khalid sir said you've also spoken in Hindi, and wow, they're very excited and happy, and they look forward to this. Not only visiting India, but will be starting in a Bollywood movie. It was like making two dreams in one. So definitely took me some time to process it and understand, like, wow, this is, I feel very blessed, because this year has been a luxury experience for me. And I think that that's something very important, because in life there's full of changes, but you have to be willing to take risks to be able to build your future. So I'm very honored for the opportunity. Thank you so much, Khalid, for seeing that potential in me, and I promise you all that I'll do my best. Thank you so much. I know we're all eagerly waiting to hear from Zakir sir too, but before that, Mansi, I'm going to ask you, how does it feel being here? Khalid sir ne kaha hai, is raaz ko raaz rakhte. I don't know, aap kuch paash kehna chahiye, kya kehna chahenge? How excited are you for Cyberman, yaar? You're our beautiful Miss India Global, please, aap kuch sunna chahenge. Okay, so firstly, namaste India. Namaste. And I have been here for Ashley, like she's a pretty good friend of mine. Earlier, I don't know Khalid sir, Manish sir, and everyone. I was not aware about the movie. It was a surprise for me. And so yeah, I'm here with Ashley, and they asked me about the movie as well. So now I'm thinking for it. I will not say any words yet, but let's see and go for the best. Ooh la la la. So we're friends of the media. Already we are inviting you for the grand morat, which is the morat hoga. So we get to know a lot more secrets. And now, for the man, yes, it's Jinki awaaz, but Jinki shabd, or Jinki experiences, sunne ke liye hum sab behaag hai. Ladies and gentlemen, please join me in putting your hands together as we have the privilege and the honor of listening from our very own living legend live right here, right now. Zakir. साइबरमैन मनीष जी जो है वो हमारे इस स्टेट से आते हैं, उत्तर प्रदेश से, और अननोन तरीके से ये पिछले 7-8 सालों से काम कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें कहीं मुलाकात हुई और उनके बारे में पता लगा। बहुत शाही भी हैं मनीष जी, उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया, लेकिन अचानक किसी सिलसिले में बातचीत हुई और तब पता लगा कि असली साइबरमैन टाइटल इनको ही मिला हुआ है, और पास रहते हुए मैं नहीं मालूम कि साइबरमैन असली साइबरमैन यही है। तो थॉट वहाँ से आया। आज की डेट में हम ये सब जानते हैं या सुनते हैं कि हिंदुस्तान का हर चौथा आदमी आज साइबर फ्रॉड से जो है मतलब फेस कर रहा है, और अलग अलग तरीक़ों से जो है वो फ्रॉड होते हैं, लोग परेशान हैं। लेकिन उस सबके लिए उन्होंने कितना स्ट्रगल किया मनीष जी ने, वो एक इनकी अपने आप में एक थ्रिल स्टोरी सुन सकते हैं कि वो थ्रिलर टाइप की है वो लाइफ में जो उनकी ज़िंदगी गुजरी। तब हमें आइडिया है कि ये काम क्योंकि पब्लिक में आना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, बिना अवेयरनेस के जो है साइबर फ्रॉड को रोका नहीं जा सकता, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बहुत लोग जैसे ऑफिसर्स और लोग आम आदमी भी इसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इसको रोका जाए और अवेयरनेस की जाए, जिससे कि लोग समझ सकें। और देन वन बाय वन मिलते जाते हैं लोग और कारवा बनता जाता है। तो मनीष जी के साथ में हाथ ज्वाइन किया और देन फिर इसके ऊपर स्क्रिप्टिंग के साथ ही काम शुरू किया। और राकेश जी क्योंकि हमारे बहुत पुराने हमारे सीनियर भी हैं, तो उन्हीं को हाथ में कमान दी गई
ये सरप्राइज था मेरे लिए भी एशले बस कमिंग इन दुबई. सो लास्ट मंथ में दुबई में था किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में गया हुआ था और सडनली 22nd को भी बर्थडे होती है तो उस बर्थडे में हमें भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला और साथ में शेयर किया और फीलिंग शेयर की उनकी एक्सपीरियंस शेयर किया. देन वहीं से माइंड में आया कि क्यों ना अब तक हिंदुस्तान में बॉलीवुड में बहुत ही ब्यूटीज को जो है दिलों में बैठा रहा है पब्लिक ने उठाया है सब कुछ उठाया है और लोगों को शेयर किया जाए इसको भी और इसमें टैलेंट है. अब ये तो यहाँ पर आने के बाद ये डिसाइड कर लिया कि नहीं है उनको वन ऑफ द लीड करेक्टर के लिए और ये पार्ट हो जाए. एक मिशन है हम लोगों का ये साइबर फ्रॉड के अगेंस्ट की एक मिलकर के एक मिशन उन्होंने तैयार किया है कि हम लोग इसमें जाएंगे और काम करेंगे. ये पार्ट हुई और हमारे साथ हो गई आज यहाँ पर और हमारे खास सीनियर और हमारे बहुत दिल अजीज जाकिर भाई जो उस ज़माने से हमारे मतलब साथ हैं हमारे बहुत मदद की है उन्होंने इस इंडस्ट्री में खड़े रहने के लिए. लास्ट फिल्म में भी जाकिर भाई वन ऑफ द लीड कैरेक्टर थे उन्होंने अच्छे से निभाया था और बहुत साथ दिया. एक और हमारे लीजेंड जिनको हम नहीं भूल सकते जिंदगी भर वो है ओमपुरी जी. ओमपुरी जी सीनियर और हमारे यहाँ से गॉडफादर टाइप जिसने जिन्होंने हमें बहुत प्रोत्साहन दिया इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए. भाई की तरह काम किया उन्होंने और अनफॉर्चुनेटली एक दस्तानी होती है कि जब वो फिल्म रिलीज होने के वक्त आया तो अचानक फिल्म डेथ हो गई जो कि ये लास्ट फिल्म थी ओमपुरी का जिंदाबाद के नाम से रिलीज हुई 2020 में कोविड के बीच में. सो नाउ अब फिर से हिम्मत कर रहे हैं जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं तो अब कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे. चाहते हैं कि दोनों काम हो सोशल वर्क भी हो पब्लिक को अवेयरनेस भी हो और एंटरटेन भी हो. बाकी आगे जो है वो राकेश जी और मनीष जी बताएंगे. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया. नमस्ते. सो अडोरेबल. इट्स बीन एन ऑनर फॉर मी टू विजिट इंडिया. आई एम गोना टेल यू अ लिटिल स्टोरी. व्हेन आई वाज लिटिल आई हैड अ प्रोजेक्ट एक्चुअली वेयर दे टोल्ड मी टू चूज अ कंट्री दैट आई वांटेड टू रिप्रेजेंट. आई चूज इंडिया. वाओ. सो आई बेसिकली आई फेल इन लव विद the Indian story and the culture a long time ago. So for me it was a dream come true to be here and to be able to visit something that I already knew but I would only knew it in books. So being able to be there and showcase it, like, it was completely amazing and definitely something that I will never forget. Incredible. So dreams do come true. You didn't manifest it at that point of time and it's become a reality. This is phenomenal. What a beautiful feeling. But let me tell you, of course it's always about the aesthetic appeal which attracts you first, but we also know about your inner beauty, about the great work you've been doing for the society, and your voice is mesmerizing. Ladies and gentlemen, she's our reigning Miss Global 2K23 and she won the title in 2K24. What a beautiful feeling, Miss Ashley. Thank you so much. So I want to come and at first, before we go ahead और हम खालिद साहब से अब बात करें, before we come to you, मैं चाहूँगी खालिद साहब आप एक फोटोग्राफ के लिए सेंटर में आ जाएं, in between both our queens, please. Thank you, Wellgrade Studio, खालिद भाई, मनीष जी and जाकिर भाई. Thank you for coming and खालिद भाई स्पेशली आपका थैंक्स कि आपने मेरे ऊपर विश्वास किया, ये मौका मुझे दिया. और जहाँ तक स्पेनिश ब्यूटी की बात है, शी इज़ रियली वेरी प्रीटी. कल हमने फ़ोटोशूट किया, उस तब मेरी पहली मुलाकात हुई एंड शी इज़ रियली वेरी गुड एक्ट्रेस, रियली वेरी गुड एक्ट्रेस. थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है बट डेफिनेटली बहुत जल्दी और बहुत फास्ट वो पिकअप कर रही हैं
एंड आई थिंक शायद हमको डब ना करना पड़े उसके साथ. माय दिस इज अ बिग अनाउंसमेंट. वाओ इतनी फैबुलस है. और इमेजिन सिर्फ फोटो सेशन में एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ कोर्स ऑफ आवर डायरेक्टर दैट वो नजरें पहचान लेती हैं टू द टैलेंट. सो ही सेज ऑफ कोर्स शी इज आल्सो अ फैबुलस एक्ट्रेस. खालिद साहब ऑलरेडी परमिशन ग्रांटेड. मतलब ऑलरेडी फैबुलस एक्ट्रेस भी हो गई. वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल दिस वाज योर आइडिया. ये आपका एक्सपीरियंस है 7 साल का एंड यू आर फ्रॉम यूपी. तो ये किस तरह थॉट आया और किस तरह यू नो यू अप्रोच्ड खालिद साहब और आपका सपना साकार हो रहा है? क्या कहना चाहेंगे? कैसा लग रहा है आपको मनीष जी? थैंक यू. ये एक्चुअली एक सपना भी है और एक मिशन है कि छोटे छोटे हम लोग देखते हैं कि पैसा चोरी होता है लोगों का. कभी हम बैठ जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, अपने खून पसीने की कमाई हमारा कोई भी ले लेता है. तो इट्स ए बिग मिशन. अभी तक जो मेरा मिशन था वो 140 करोड़ लोगों के लिए था, भारत के लोगों के लिए. लेकिन थैंक्स टू खालिद सर एंड आवर टीम कि अब यह मिशन ग्लोबल मिशन हो गया है जो 600 करोड़ लोगों के लिए हो गया है. क्योंकि इसमें एक छोटे बच्चे से लेकर, यानी कि 4 साल के बच्चे से लेकर और 70 साल तक का इंसान प्रभावित हो रहा है, उसका पैसा निकल रहा है, उसको पता भी नहीं लगता है कि हम जाए कहाँ पे. तो बस उसी के साथ एक एक्सपीरियंस शेयर किया जा रहा है जिससे लोगों की जहाँ तक हेल्प कर सकते हैं वहाँ हेल्प करें, और जो लोग कुछ गलत रास्ते पे हमारे परिवार के लोग निकल गए हैं उनको सही रास्ता. मनीष जी, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि वो कब, वो कौन सा यू नो इंसिडेंट था जब आपके दिल ने आपसे कहा आगे दिस वॉज योर आइडिया. ये आपका एक्सपीरियंस है 7 साल का एंड यू आर फ्रॉम यूपी. तो ये किस तरह थॉट आया और किस तरह यू नो यू अप्रोच्ड खालिद साहब और आपका सपना साकार हो रहा है? क्या कहना चाहेंगे? कैसा लग रहा है आपको मनीष जी? थैंक यू. ये एक्चुअली एक सपना भी है और एक मिशन है कि छोटे छोटे हम लोग देखते हैं कि पैसा चोरी होता है लोगों का. कभी हम बैठ जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, अपने खून पसीने की कमाई हमारा कोई भी ले लेता है. तो इट्स ए बिग मिशन. अभी तक जो मेरा मिशन था वो 140 करोड़ लोगों के लिए था, भारत के लोगों के लिए. लेकिन थैंक्स टू खालिद सर एंड आवर टीम कि अब यह मिशन ग्लोबल मिशन हो गया है जो 600 करोड़ लोगों के लिए हो गया है. क्योंकि इसमें एक छोटे बच्चे से लेकर, यानी कि 4 साल के बच्चे से लेकर और 70 साल तक का इंसान प्रभावित हो रहा है, उसका पैसा निकल रहा है, उसको पता भी नहीं लगता है कि हम जाए कहाँ पे. तो बस उसी के साथ एक एक्सपीरियंस शेयर किया जा रहा है जिससे लोगों की जहाँ तक हेल्प कर सकते हैं वहाँ हेल्प करें, और जो लोग कुछ गलत रास्ते पे हमारे परिवार के लोग निकल गए हैं उनको सही रास्ता. मनीष जी, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि वो कब, वो कौन सा यू नो इंसिडेंट था जब आपके दिल ने आपसे कहा आगे? ऑलराइट.